Myself Rahul Trivedi, welcome in our YouTube channel Rahul Sir Rahul Trivedi. बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा ग्लाइकोलाइसिस के बारे में और ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद था पाइरूविक एसिड। आगे पाइरूविक एसिड का क्या होगा ये जानने के लिए आज का वीडियो देखते हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्मेंटेशन किडवन। बिना किसी बकवास के सीधे सब्जेक्ट पर आते हुए तो देखिए बेटा हुआ क्या था, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि ग्लूकोज ब्रेकआउट हुआ और इसने बनाया पाइरूविक एसिड। सबको याद है ना, टू पाइरूविक एसिड प्लस टू एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेटेड इन द ग्लाइकोलाइसिस। यह हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा। अब देखिए यहां पर जो हमें पाइरूविक एसिड मिला, यहां से आगे का जो प्रोसेस होता है रिस्पिरेशन का वो टू वे है। टू वे का मतलब इसके पास दो रास्ते, ये पाइरूविक एसिड या तो एनारोबिक रिस्पिरेशन करेगा अथवा एरोबिक रिस्पिरेशन की तरफ जाएगा और ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार की सेल में ये बना है। किस प्रकार की सेल से क्या मतलब है यहां पर, अरे भाई जहां पर ग्लाइकोलाइसिस हो रही है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या बड़ा जंतु है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो उसे एटीपी की जरूरत कम पड़ेगी और अगर वो बड़ा जंतु है या बड़ा लिविंग है तो उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट अधिक होगी। इट्स मीन द फेट ऑफ पाइरूविक एसिड डिपेंड अपॉन द सेलुलर रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। पाइरूविक एसिड करने के बाद जो पाइरूविक एसिड का फ्यूचर है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो लिविंग्स है जिसमें रिस्पिरेशन हो रहा है उसे एनर्जी की जरूरत कितनी है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, अगर ये एनारोबिकली रिस्पिरेशन की तरफ मुड़ता है तो ये कंप्लीट करेगा फर्मेंटेशन, मतलब किण्वन। और यदि ये एरोबिक की तरफ जाता है तो ये अलग प्रकार की प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। क्या मतलब हुआ इस बात को लेकर के, पहली बात तो आप ये समझ लें कि फर्मेंटेशन क्या है, एक एनारोबिक रिस्पिरेशन का टाइप इज एन एनारोबिक रिस्पिरेशन, यानी किण्वन एक अनाक्षी श्वसन वाली प्रक्रिया। अब अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, अपने सिलेबस के मुताबिक अगर हम देखें तो यहां पर ये फर्मेंटेशन जो है बेटा वो दो प्रकार से होगा, एक होगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और सेकेंड होगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज द काइंड ऑफ फर्मेंटेशन। अब अगर ये पाइरूविक एसिड एरोबिक की तरफ जाएगा तो इससे क्या क्या बनने वाला है, सबसे पहले इससे बनेगा
एसिटाइल को एंजाइम ए, अब एसिटाइल को एंजाइम ए क्रेब्स साइकिल को कंप्लीट करेगा और अंत में ईटीएस के थ्रू लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मींस 36/38 एनर्जी एटीपी के प्रोड्यूस करेगा। तो फर्मेंटेशन को समझने से पहले यह जानना बहुत जरूरी था कि फर्मेंटेशन किसमें होता है, क्यों होता है, कहां होता है, कब होता है। एनारोबिक रिस्पिरेशन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होता है या उन कोशिकाओं में होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसी सेल्स में होगा जिनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है। दो प्रकार का है, एक एल्कोहलिक और दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे फर्मेंटेशन। तो पहली बात मैंने क्या बताई आपको, इस एन टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन या किण्वन अनाक्सी श्वसन का बेटा एक प्रकार है। दूसरी बात, इसको सबसे पहले डिस्कवर्ड बाय गेर लुशेक ने इसकी खोज की। फर्मेंटेशन एक प्रकार का अनाक्सी श्वसन है जिसकी सबसे पहले खोज की गेर लुशेक। अब हम लोग बात करेंगे काइंड्स ऑफ फर्मेंटेशन की। किण्वन के प्रकार, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू नीट, अकॉर्डिंग टू 11th सिलेबस, ये दो प्रकार का, एक होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और बेटा दूसरा होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। चलिए पहले टाइप में बात करते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, बात याद करो भी क्या कहा था मैंने कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कंप्लीट होता है, कंप्लीटेड इन द ईस्ट सेल। आगे आपको जब ट्वेल्थ के सिलेबस में पहुंचेंगे तो वहां पर बताया जाएगा बेवरेज ईस्ट होती है साइक्रोमाइसिस सेरेबीसी। जितनी भी वाइन बियर या एनी काइंड ऑफ एल्कोहल, जो भी एल्कोहल बनता है वो इसी प्रोसेस के अंतर्गत बनता है, उसे हम कहते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि ये एनारोबिक रिस्पिरेशन का एक टाइप, तो सबसे पहले आप क्या समझ लो, पहले पॉइंट ये लर्निंग पॉइंट था कंप्लीटेड इन द ईस्ट सेल्स। दूसरा बिंदु पर आप विचार करें इसमें होता क्या है, इसमें जो पायरूबिक एसिड है ये इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगा, अपूर्ण दहन होगा इसका, और इस अपूर्ण दहन के बाद इस पूरे प्रोसेस के अंतर्गत पायरूबिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें बदल रहा है CO2 प्लस एथेनॉल। एक बात फिर समझ लें, ड्यूरिंग द एल्कोहलिक फर्मेंटेशन
yeast are used. In case of this, is the incomplete oxidation of glucose is achieved under anaerobic condition, absence of food, where aerobic acid converted into the carbon dioxide and ethanol. अब बात यह आती कि सर ये कैसे हो जाता, वैसे आपके लिए यहां तक ठीक था। दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं कि ये पायरूविक एसिड है। अब ये पायरूविक एसिड डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम की प्रेजेंस में जो डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम आया कहां से आया, ईस्ट से आया, क्या बनाता है एसिटाल्डिहाइड, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब जो ये आपके पास एसिटाल्डिहाइड आया, ये फिर से इसी एंजाइम यानी पायरूविक एसिड डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, एथेनॉल बनाएगा, यानी 2C2H5OH plus NAD आयनों को मुक्त करेगा। I think my point is clear now. इस का एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एक बार मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दें, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कंप्लीटेड बाय द ईस्ट सेल, किसके द्वारा पूरा हो रहा है, ईस्ट कोशिकाओं के द्वारा पूरा हो रहा है। किसमें होगा क्या कि पायरूविक एसिड का ऑक्सीजन के एब्सेंस में इनकम्प्लीटली ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल बनती है। नीट लेवल पर केवल एक ही रिएक्शन के ऊपर वाली सभी सेम थी, लेकिन ये कैसे बना ये भी आप देख सकते हैं यहां पर कि पायरूविक एसिड जो कि ग्लाइकोलाइसिस से आया, पायरूविक एसिड डिहाइड्रोजिनेस कहां से आया, ईस्ट से आया, रिएक्शन हुई, क्या बना, एसिटाल्डिहाइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला। अब एसिटाल्डिहाइड फिर से पायरूविक एसिड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, एल्कोहल बना रहा है। यही तो एल्कोहल है भाई, एल्कोहल बना रहा है और क्या बना रहा है, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड बना रहा है। बात को समझ गए, अब हम बात करेंगे इसके बाद लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की। चलिए अब बात करते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की। देखिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्यों कहा जा रहा है इसको, चूंकि इसमें लैक्टिक एसिड बनेगा। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इसलिए कहा गया चूंकि उसमें एल्कोहल बना, आपने देखा भी कि C2H5OHCO2 के साथ बना। ठीक उसी प्रोसेस के अंतर्गत यानी एनारोबिकली होगा क्या ये पायरूविक एसिड, कहां से आया, अरे बोलो ना कहां से आया भाई, ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है, बार बार याद दिलाना पड़ेगा। अब इस पायरूविक एसिड के साथ या ये पायरूविक एसिड यदि लैक्टोबैसिलस लैक्टिबैक्टीरिया के अंदर डिग्री रेट होता है तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। लैक्ट इस बैक्टीरिया के द्वारा लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम को सीक्रेट किया गया। ये एंजाइम क्या कर रहा है, सीधे सीधे इस पायरूविक एसिड को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। इससे ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत, इससे ज्यादा कभी क्वेश्चन नीट में आएगा नहीं, क्या बना लैक्टिक एसिड। और चूंकि लैक्टिक एसिड बना इसीलिए इसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा, सबसे बड़ी बात होती है नीट की तैयारी में कि हम ये जान जाएं कि हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है।
अपन लाइनों के पीछे भागते रहते। अरे भाई ये भी तो देखें कि हमसे पूछा कैसे जाएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो डाउट लगाना तो बेटा बहुत जरूरी है। उसके लिए एक बार फिर से हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर विचार करें ताकि हमारे डाउट्स हो जाए। आइए साइलेंट फीचर पे बात करते हैं या स्पेशल फीचर पे बात करते हैं। देखिए दोनों प्रकार की जो फर्मेंटेशन है इनके द्वारा बहुत कम मात्रा में एनर्जी ग्लूकोज से बाहर रिलीज की जाती है। कारण बताया ना, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूविक एसिड। फर्मेंटेशन या किण्वन के दौरान चूंकि ग्लूकोज या पाइरूविक अम्ल का अपूर्ण दहन होता है, इसलिए इससे बहुत कम मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। Not much energy released, only less than 7% of the energy is released during the fermentation. कारण क्या है? Anaerobic respiration है। कारण क्या है? Anaerobic respiration के साथ जब भी degradation होगा तो incomplete degradation होगा, तो कभी भी पूरी energy बाहर नहीं निकलेगी। दूसरी बात पर को देखें, ये दोनों ही प्रोसेस बड़े खतरनाक है। किस बात को लेकर खतरनाक है? क्योंकि इनसे बनने वाले जो प्रोडक्ट है बेटा, एक तो ये क्या है, एसिड बन रहा है और दूसरा क्या बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है। इट्स मीन बोथ द प्रोसेस मीन्स लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज अ हैजार्डस प्रोसेस because they produced either acid or alcohol. अब तीसरी बात पे बात करें, देखो कई बार आपसे पूछा जाएगा कि fermentation के दौरान कितनी ATP generate होती है। तो fermentation के दौरान दोनों प्रकार का जो fermentation है, कितनी ATP? 2 ATP net gain 2 ATP is produced in both type of fermentation. चाहे lactic acid fermentation हो रहा हो तब भी 2 ATP बनेगा, या alcoholic fermentation हो रहा तब भी दो ही ATP बनेगा। अब देखिए अगली बात पर विचार करें। एक क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया कि किस प्रकार के fermentation में CO2 generate होती है। ध्यान रखें, CO2 only generated during the alcoholic fermentation. कभी भी CO2 lactic acid fermentation में generate नहीं होती है। अब बात करते हैं reducing agent की। इस पूरे प्रोसेस में NAD2H या NADH को का रिडक्शन होगा, और सॉरी रिडक्शन नहीं होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो ऑक्सीडाइज होकर के NADH बनाएगा। तो बेटा इस प्रकार फर्मेंटेशन में ये सारी बातें अगर आप कर लेते हो तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपका कोई भी डाउट ना तो 11th लेवल पे बचेगा और ना ही 9th लेवल पे बचेगा। और बाकी एक बात बहुत ध्यान से समझ लो, बायोलॉजी कभी भी रटी नहीं जाती बेटा। बायोलॉजी एक थीम है, बायोलॉजी एक विजुअल सब्जेक्ट है। इसको जिस दिन आप फील करना सीख जाओगे तो सबसे सरल सब्जेक्ट लगेगा, और जो माइनस आपके होते हैं वो बंद हो जाएंगे। अंदाजा नहीं लग सकता इसमें, पूरी बायोलॉजी सजीव तंत्र एक नेचुरल व्यवस्था है, यहाँ जो कुछ है वो इक्विलिट है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। मैं आपका राहुल त्रिवेदी।